तो आचमन करने की विधि, कैसे आचमन करना, केवल पानी पी लेना आचमन नहीं है, पानी तो मेढक भी पीता, पानी तो मेढको गुट से पी जाता, मछली भी पानी गुटक जाती, लेकिन केवल पानी गुटक लेना ये आचमन नहीं है। आचमन कैसे करना, बोले खड़े होकर के नहीं करना, घुटने के बल बैठ करके नहीं करना, उकरू बैठ के नहीं करना, पालथी मार करके पवित्र आसन पर बैठ करके आचमन किया जाए, पहली विधि तो ये। और आचमन करते समय हाथ में जल लेकर के गोकर्णाकृति हस्ते न गाय के कान के समान हाथ को ऐसे बना करके, और कितना जल, बोले मांसमग्नम जलम पिवेत, मांसमग्नम माने हाथ में उतना जल हो जिसमें एक उड़द, खड़ी उड़द डालो तो खड़ी उड़द डूब जाए, मांसमग्नम माने हाथ में गदोरी में इतना जल हो कि उस जल में आप एक उड़द का दाना डालो तो वो डब्ब से डूब जाए, दिखाई न पड़े ऊपर, माने पानी के अंदर हो जाए, मांसमग्नम उतना जल पिवेत, उतना पीना चाहिए, लेकिन कैसे पीना चाहिए, बोले अशब्दम, शब्द नहीं होना चाहिए, पीते समय अगर सुर्र किया, चुस्स हुआ तो आचमन अशुद्ध हो गया। सब विधि है महाराज। मैंने क्या कहा था कि हमारे जीवन की सारी क्रियाएं शास्त्र सम्मत होती हैं, वही धर्म होता है। तो जहां सुर्र हुआ, सुट्ट हुआ, चप्प हुआ, बोले वो आचमन नहीं हुआ। इसी पर एक कथा मुझे याद आ गई कि जब समुद्र मंथन में अमृत प्रकट हुआ तो भगवान मोहिनी अमृत पिलाने के लिए चले, तो देवताओं की अलग पंक्ति बैठी थी, दैत्यों की पंक्ति अलग बैठी थी। देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे थे, उसी में उसी समय दैत्यों की पंक्ति से एक दैत्य आया, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, जिसका नाम राहु था। और कहां बैठा, बोले सूर्य और चंद्रमा के बीच में। क्यों, बोले भगवान मुझे पहचान न पावे, मोहिनी मुझे पहचान न पावे, क्योंकि देवता तो तेजस्वी थे, चमक रहे थे, और दैत्य जो थे वो बड़े भयानक थे, तो अलग दिख जाते। अब भाई अमेरिका का आदमी और अफ्रीका के आदमी खड़ा कर दो, दोनों अगर भिन्न दिखाई पड़ेंगे, एक कहां एकदम सफेद और एक देश का आदमी कहां एकदम काला। तो राहु ने सोचा कि देवताओं की पंक्ति में मैं बैठूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो राहु ने सोचा कि ये सूर्य चंद्रमा दो बड़े तेजस्वी देवता हैं, ये दो बड़े बड़े हाइड्रोजन लगे हैं, उसी के बीच में मैं भी बैठ जाऊं तो मैं भी चमकता रहूंगा, सूर्य चंद्रमा रूपी दो हाइड्रोजन के बीच में। और राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया। भगवान तो जान ही गए, भगवान तो अंतर्यामी है, और भगवान जान रहे थे, और भगवान उसको अमृत पिला भी रहे थे, पिला देते, पिला दिया, और भगवान उसको मारते नहीं। लेकिन जब वो अमृत पिया ना, तो आचमन कर रहा था, अमृत से ही आचमन हो रहा था, तो अमृत से आचमन करने के लिए भगवान मोहिनी ने जब उसके हाथ में अमृत दिया तो था राक्षस, उसको आचमन करना क्या मालूम, आचमन की विधि तो उसको मालूम थी नहीं। ओ आचमन करते समय अमृत को जब मुख में लगाया तो सुट्ट से आवाज भई मरा, सुर की आवाज किया। जब सुर की आवाज किया तो इधर से चंद्रमा और इधर से सूर्य ने देखा, कहा असुर, ये तो असुर है, क्योंकि ये सुर सुर कर रहा है, जो सुर सुर कर रहा है वो असुर है, इसको तो आचमन करना भी नहीं आता। जो ही भगवान से इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य ने कहा असुर, तो भगवान ने कहा जब सब ही जान गया है तो अब तो मारना पड़ेगा, अगर वो ठीक से आचमन कर लेता तो भगवान तो अमृत उसको पिला ही रहे और बात बन जाती। लेकिन अब बात जब आउट हो गई तो भगवान को तो न्याय का पक्ष लेना था, भाई जब तक बात दबी है चुप्पे चुप्पे काम हो जाए, पीछे से बैकडोर से फाइल निकल जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन जब मीडिया में सामने आ गया तो अब तो सरकारी कार्यवाही होगी, प्रक्रिया चलेगी। इसलिए भगवान ने कहा जब हल्ला मच गया कि ये राहु है, दैत्य है, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, तो अब तो इसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हल्ला मच गया, लोग जान गए। फिर तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के मस्तक का शिरच्छेद कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज आचमन करने की भी एक निश्चित विधि होगी, कैसे आचमन करना चाहिए, अशब्दम शब्द न हो, और इतना पानी पियो कि वो पानी तुम्हारे गले को भिगोते हुए हृदय तक पहुंच जाए। कितने लोग आचमन करते हैं ऐसे, लिए ओंठ में ऐसे सटाते हैं, ऐसे देखिए ना, कभी अपने जान सोचा था कि हम बहुत बढ़िया आचमन करते हैं, हमें कुल मालूम है, ऐसे ले गए, ऐसे करेंगे, ऐसे गिरा देंगे, गिराए क्यों भैया,
आचमन करने के लिए मिला था वो तुम्हारे हृदय को शीतल करे, और तुम लेकर के ओंठ में सटा करके इधर फेंक रहे हो। कितने पंडित लोग ऐसे बता देते हैं, इसीलिए लोग करते हैं। लोग क्या जाने, पंडित जो कहेंगे वही ना जानेंगे। हमने देखा महाराज, कहीं किसी के ब्याह में हम गए थे और द्वारचार हो रहा था, उस द्वारचार में जब दुल्हा को आचमन कराना हुआ, पंडित ने कहा जल लो इसे ओंठ में सटाक फेंक दे। तो अब बेचारा कहा जाने, वो तो कोई वेद तो पढ़ा नहीं है, पंडित जो बताएंगे वही करेगा, और जब पंडित जी को पता नहीं है तो दूसरी दुनिया क्या जाने। कहने का तात्पर्य कि महाराज आचमन करना चाहिए, वो जल तुम्हारे हृदय का स्पर्श करे, हृदय में जाए तब हृदय पवित्र हो, इसलिए आचमन करने की विधि है। उपस्पृश्योदकम, महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, और आचमन करने के बाद स्थित्वा कृतांजलि, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया। अब देखो कथा सुनने से यही सब ज्ञान मिलता है। अब जितने लोग सुने इनको आचमन करने की विधि तो समझ में आ गई ना। अब कभी जीवन में धोखा नहीं होगा कि आचमन कैसे किया जाता है, आपको बरगला नहीं सकता। जितनी विधि है कैसे करना, कितना पानी पीना, और आचमन करने के बाद फिर हाथ को शुद्ध करना। आचमन करने के बाद एक काम और नहीं करना चाहिए, वो भी बता देते हैं। आचमन करने के बाद लोग क्या करते हैं, बोले ऐसे ही पोत लेते हैं मुड़िया, यह गलत करत है। ये गलत क्यों है, बोले जब आपने आचमन किया तो आपका हाथ जूठा हुआ, अब जूठा करने के बाद उसको खोपड़ी में पोत के खोपड़ियों जूठा करा है? ये ना भैया। अब महाराज आचमन करने के बाद इसीलिए हाथ धोया जाता है, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तीन बार आचमन करने के बाद, तब चौथी बार जब हाथ में पानी दिया जाता है तो कहा जाता है गोविंदाय नमः। अब हाथ धो लो, शुद्ध कर लो। अब पता लगा एक बार आचमन किए तो सिर जुठारे, फिर दोबारा जूठ किए, तिवारा जूठ किए, तो तुम्हारे हाथों में धोए कौन फायदा भैया? भाई सिरवा तो जूठा ही है, पूरा शरीर तुमने जूठा कर लिया। तो इन चीजों को समझ करके इस प्रकार जब आचमन करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, देवता के कार्य को करने के लिए, पूजनाधिकारियों को करने के लिए हम योग्य हो जाते हैं। तो बंधुओं, महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, आचमन करने के बाद उसके आसन पर विराजमान हुए प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, कुश का जो आसन था उस आसन को बिछाया और उस पर बैठे। कैसा आसन था, बोले कुश का जब भी आसन बिछावे तो सावधानी से बिछाना चाहिए। कंबल का आसन हो तो चाहे जैसे आप बिछा के बैठ जाओ, लेकिन कुश का आसन अगर हो, गांव में लोग कुश को बीन करके चटाई बनावत रहे पहले पूजा उजा करते हैं, तो उसकी विधि होती है कि जब चटाई को बिछाओ कुश की चटाई को बैठने के लिए, तो सावधान रहो कि उसमें जो कुश का अग्रभाग है वो पूरब की तरफ ही होना चाहिए। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, उसका अग्रभाग जो है पूरब की ओर हो। वो कुश की चटाई बीनते हैं तो जड़ वाला हिस्सा एक तरफ रहता, पुलुई को फिर लपेट के ऐसे ऐसे बांध देते हैं, तो वो हिस्सा पूरब की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि वो पीछे हो गया तो आप बैठ गए तो बोले आसन अशुद्ध है तुम्हारा। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, कुश का अग्रभाग पूरब की ओर होना चाहिए और कुश की जड़ पश्चिम की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार से जब आसन बिछा करके बैठा जाए तब वो धर्म कार्य के लिए उत्तम होता है। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम, और प्राचीन पूरब की ओर कुश को अग्रभाग को करके आसन पर वाल्मीकि जी विराजमान हुए, और धर्मेणान्वेषते गतिम, धर्म माने भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का हृदय में ध्यान करके चिंतन करने लगे, हे प्रभो मैं कैसे इस रचना को रच पाऊंगा, आप ही मेरे हृदय में बैठ करके इस रचना को पूर्ण कराओ। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने जब राम जी का ध्यान किया तो राम जी का जितना चरित्र था वो चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकट हो गया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम, राम जी कैसे हंसते थे, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, और इतना ही नहीं रामलीला में जितने परिकर थे, अंगद सुग्रीवादि बानर और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सूर्पणखा त्रिजटा प्रसघा, जितनी राक्षसियां थी, कौन कैसे बोलती थी, कौन कैसे हंसती थी, कौन कैसे चलती थी, किसकी क्या गतिविधि थी, किसकी क्या एक्टिविटी थी, ये सब महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उसी क्षण प्रकट हो गया। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं, और किस रूप में प्रकट हो गया, बोले तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति,
यथावत संप्रपश्यति सम्यक्तया प्रपश्यति दृश्यति। सम्यक्तया महर्षि वाल्मीकि ने उन संपूर्ण रामचरित्र को देख लिया, तब दिखाई पड़ने लगा। और देखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के चरित्र को लिखना प्रारंभ किया और 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के चरित्र को लिख करके पूर्ण कर दिया। जब लिख करके पूर्ण किया तो महर्षि वाल्मीकि को क्या विशेषण दिया गया, भगवान रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनिः। रघुवंशस्य चरितम, रघुवंशे उत्पन्नस्य रघुनंदनस्य चरितम, रघुवंश चरितम, रघुवंशस्य चरितम माने रघुवंश में उत्पन्न होने वाले जो रघुनंदन राम हैं उनके चरित्र को चकार महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। कीदृशः महर्षि वाल्मीकि ही कहते हैं भगवान मुनि ही। अरे किसी और ने चरित्र नहीं लिखा, बोले तब बोले भगवान ही ऋषि भर वाल्मीकि के रूप में आकर के अपने चरित्र को लिख रहे हैं। यह अद्भुत बात कही जा रही है, कहते हैं कि भगवान ऋषि ही, स्वयं भगवान ही महर्षि वाल्मीकि के रूप में आकर के अपने चरित्र को लिख रहे हैं। क्यों? बोले भगवान के चरित्र को भगवान ही जान सकते हैं, भगवान के चरित्र को भगवान ही लिख सकते हैं, भगवान के चरित्र को भगवान ही सुन सकते हैं और भगवान के चरित्र को भगवान ही सुना सकते हैं। क्यों? बोले भगवान को भगवान ही जान सकते हैं, इसीलिए तो कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अरे वेदांत की श्रुति में घटा लीजिए, वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इसको दूसरे ढंग से कहिए कि ब्रह्म को ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जान पाता है, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाता है, यह तो सामान्य अर्थ है, लेकिन ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जान पाता है विशेष अर्थ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति सोई जानै जै देव जनाई, और जानत तुमै तुमै होइ जाइ, जो भगवान को जानेगा वो भगवान के समान ही हो जाएगा, अर्थात भगवान को भगवान ही जान सकते हैं। आप कहोगे हम कथा सुन रहे हैं तो हम कहां भगवान हैं? आपने कहा कि भाई कथा सुनने वाला भी भगवान, सुनाने वाला भी भगवान, लिखने वाला भी भगवान, और ये चरित्र किसका है? बोले भगवान का। बोले ये चरित्र क्या है? बोले ये चरित्र भी भगवान। तो आप कहोगे कि हम कथा सुन रहे हैं, हम भगवान कैसे? बोले भाई आपके हृदय में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे? अंतर्यामी परमात्मा तो सबके अंदर बैठा है, अगर वो अंतर्यामी परमात्मा निकल जाए तो आप कथा सुन पाओगे? जितने लोग श्रोता बैठे हैं, भीतर से वो अंतर्यामी निकल जाए, तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत सच्च तच्चा भवत, जो वेद कहता है कि अंतर्यामी रूप में परमात्मा हृदय में प्रतिष्ठित होकर आत्मा के अंदर बैठ करके आत्मा का नियमन करता है। यो अंतर तो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्य आत्मा शरीरम, जो आत्मा रूपी शरीर के अंदर बैठ करके आत्मा का नियमन करता है वो परमात्मा अंतर्यामी। अगर आत्मा के अंदर से निकल जाए तो क्या होगा? बल्ब बुझ जाएगा, खत्म काम, फिर कथा कौन सुनेगा? अर्थात भगवान ही तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, इसलिए तुम कथा सुन रहे हो। कहे राघवाचार्य सुनाए रहे हैं, कहीं राघवाचार्य के अंदर से भी भगवान निकल जाए तो राघवाचार्य क्या सुनाएंगे? कुछ नहीं सुना सकते। कहने का तात्पर्य कि भगवान की कथा को सुनाने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी भगवान, इस चरित्र को लिखने वाले भी भगवान, और लिखवाने वाले भी भगवान, समझने वाले भी भगवान, यही तो भगवान की सर्वात्मकता है। सर्वात्मकता का मतलब कि भगवान सबकी आत्मा है, कण कण में व्याप्त है, यही भगवान की व्यापकता है। सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।